मेहुल सारे साइंटिस्ट को जेल से लेके बाहर निकल जाता है, लेकिन मेहुल को शक होता है। किडनैप तो 3 साइंटिस्ट हुए थे, तो ये चौथा कहाँ से आया? मतलब इनमें से एक फेक साइंटिस्ट है। मेहुल सबके आईडी कार्ड चेक करता है, ये पहले साइंटिस्ट का, ये दूसरे साइंटिस्ट का, ये तीसरे साइंटिस्ट का और ये चौथे साइंटिस्ट का। अब इनमें से एक आईडी कार्ड फेक है, क्या आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा साइंटिस्ट फेक है? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ये तीसरा साइंटिस्ट फेक है। इस साइंटिस्ट की डिग्री देखिए, एमबीए इन फाइनेंस, और बाकियों की है पीएचडी इन केमिस्ट्री, एमटेक इन केमिकल कंपाउंड्स, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री। तो ये तीन तो साइंटिस्ट हुए, कोई एमबीए वाला साइंटिस्ट कैसे होगा? तो पागल साइंटिस्ट ने एक अपना आदमी यहाँ छुपा रखा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है और रस्सी से बांध देता है। उसे वहीं छोड़ के बाकी साइंटिस्ट और मेहुल जंगल में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पागल साइंटिस्ट गुस्से में आ जाता है कि सारे साइंटिस्ट जेल से भाग गए हैं। वो तुरंत अपने आदमियों को और डॉग्स को उनके पीछे भेज देता है। पागल साइंटिस्ट ने जंगल में केमिकल लोचा मचा रखा था, जिसके वजह से जंगल के कुछ एरियाज की केमिस्ट्री बदल गई थी। हर कलर आपस में बदल गए थे, ग्रीन कलर येलो हो गया था, ब्राउन कलर ब्लैक हो गया था। अब आप सोचिए और मुझे बताइए, ट्री पे जो रेड एप्पल्स है वो कौन से कलर के हो जाएंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। पास में देखिए, पिंक रोजेस का ट्री है और एक रोज नीचे पड़ा हुआ है। नीचे पड़ा हुआ रोज रेड कलर का है, मतलब ये पागल साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के पहले गिर गया होगा। इसका मतलब ये रेड रोज का ट्री है, मतलब रेड कलर पिंक हो गया है, तो एप्पल का कलर भी पिंक हो जाएगा। मेहुल और साइंटिस्ट ऐसे पिंक कलर के एप्पल्स देख के डर जाते हैं। उन्हें जोरों से भूख लगी थी, लेकिन एप्पल्स बिना खाए ही आगे बढ़ जाते हैं। पागल साइंटिस्ट के जंगली कुत्ते मेहुल और बाकी साइंटिस्ट को ढूंढ ही रहे थे। पागल साइंटिस्ट पीछे से जंगली बैट्स भेज देता है। बैट्स तेजी से उड़ते हुए मेहुल और साइंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं। बैट्स उनको परेशान करने लगते हैं, काटने लगते हैं। मेहुल फोन निकालता है हेल्प मांगने के लिए, लेकिन नेटवर्क ही नहीं आ रहा था। पास में लकड़ी के टुकड़े कुछ स्टोन्स पड़े हुए थे। सोचिए और मुझे बताइए, क्या कर सकते हैं मेहुल और साइंटिस्ट बैट्स से बचने के लिए? आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। मेहुल ने जब फोन बाहर निकाला था तो फोन की लाइट से बैट्स थोड़े पीछे हुए थे। वही मेहुल समझ गया था कि लाइट से इन्हें डर लगता है। बैट्स नाइट में ही जागते हैं, दिन में सोते हैं। मेहुल ने फोन का फ्लैश चालू कर दिया और बैट्स को दिखाने लगा। उससे बैट्स डर गए और वहां से भाग गए। मेहुल और साइंटिस्ट तेजी से जंगल में आगे बढ़ने लगे। मेहुल और साइंटिस्ट जंगल में एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं। ब्रिज की हालत बहुत खराब है और वो कभी भी टूट सकता है। नीचे एक रिवर है जिसका फ्लो बहुत तेज है। अगर इससे स्विम करके जाने की कोशिश की तो रिवर में बह जाएंगे। पास में एक बोट भी खड़ी है, लेकिन बोट को चलाने वाली लकड़ी नहीं है। रिवर क्रॉस करने के लिए बड़े बड़े स्टोन्स भी बने हुए हैं। सोचिए और मुझे बताएं, क्या तरीका अच्छा रहेगा रिवर क्रॉस करने के लिए? ब्रिज, स्विम, बोट या स्टोन? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। रिवर का फ्लो बहुत तेज है तो स्विम और बोट काम नहीं आएंगे। अगर आपने बोट से जाने की कोशिश की तो वो अलग डायरेक्शन में ही निकल जाएगी, और अगर ब्रिज से गए तो वो टूट जाएगा और आप पानी में बह जाएंगे। मतलब स्टोन से कूद के जाना ही सेफ है। मेहुल और साइंटिस्ट भी वही करते हैं, स्टोन्स पे कूदते हुए रिवर क्रॉस कर लेते हैं और जंगल में आगे बढ़ते हैं। जंगल में आके बढ़ते बढ़ते मेहुल का पैर एक मधुमक्खी के छत्ते पे पड़ जाता है। उसमें से बहुत सारी मधुमक्खियां बाहर आ जाती है। मधुमक्खियां मेहुल और साइंटिस्ट को परेशान करने लगती है। वो आसपास देखते हैं तो ट्री की कुछ लकड़ियां पड़ी होती है, टोन्स पड़े होते हैं। अब इन मधुमक्खियों से बचने के लिए क्या करना होगा मेहुल और साइंटिस्ट को? उनके पास चार ऑप्शन है। पहला, तो लकड़ी से मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करे। दूसरा, उनपे स्टोन्स फेंके। तीसरा, वहां से तेजी से भागे। या चौथा, धीरे धीरे चल के वहां से निकल जाए। आपको क्या लगता है कौन सा तरीका सही रहेगा? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। लकड़ी और स्टोन फेंकने से मधुमक्खियां और चिड़चिड़ा जाएगी और परेशान करेगी, शायद डंक भी मारे। भागना भी सेफ नहीं है, वो पीछे भागेगी। धीरे धीरे चलना ही सेफ होगा।
वो लोग धीरे धीरे वहाँ से वॉक करना शुरू करते हैं और मधुमक्खियों से बच जाते हैं। तभी उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। मेहुल को उसके बाजू में एक परछाई दिखती है। क्या आप इस परछाई को देख के बता सकते हैं ये कौन होगा? सोचिए और जल्दी से आपका आंसर कमेंट कीजिए। सर कटा हुआ है, मतलब ये एक जॉम्बी है। जॉम्बी को देख मेहुल और साइंटिस्ट वहाँ से भागना शुरू करते हैं। भागते भागते उन्हें सामने का एक गड्ढा नहीं दिखता और वो लोग उस गड्ढे में गिर जाते हैं। अब जॉम्बी उनके पास आने लगता है। गड्ढे में उन्हें कुछ चीजें दिखती है, तीन गुलेल दिखती है, एक बंदूक, एक कटर, एक बैट। क्या इनमें से कोई चीज को यूज करके वो जॉम्बीज को भगा सकते हैं? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। मेहुल बैट भी यूज कर सकता है, लेकिन बैट सिर्फ एक है और उसके लिए जॉम्बी के पास जाना पड़ेगा। गुलेल यूज करना बेस्ट रहेगा, वो दूर से ही जॉम्बीज को मार सकते हैं और दूर ही रख सकते हैं। मेहुल और साइंटिस्ट गुलेल उठाते हैं और जॉम्बीज पे स्टोन फेंकना शुरू कर देते हैं। जॉम्बीज डर के वहाँ से भाग जाता है। मेहुल और साइंटिस्ट गड्ढे से बाहर निकलते हैं और जंगल में आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें हाईवे रोड दिख जाता है, लेकिन रोड तक पहुंचने के लिए उन्हें इस रिवर को क्रॉस करना होगा। रिवर पे स्टोन्स पड़े हुए हैं। वे लोग स्टोन्स पे कूदना शुरू करते हैं। पहले 1, 2, 5, 10 और 17 पे जंप करते हैं। अब नेक्स्ट स्टोन्स है 24, 26 और 28। सोचिए और मुझे बताइए उनको कौन से स्टोन्स पे जंप करना चाहिए जो सेफ होगा। अगर गलत स्टोन्स पे कूदे तो स्टोन्स टूट जाएंगे और वो लोग रिवर में बह जाएंगे। सही स्टोन है 26। 1 और 2 का डिफरेंस है 1, 2 और 5 का है 3, 5 और 10 का डिफरेंस है 5 और 17 और 10 का डिफरेंस है 7। तो अगला डिफरेंस हो जाएगा 9। डिफरेंस 2-2 से बढ़ रहा है, तो 17 + 9 हो जाएगा 26। सभी 26 स्टोन्स पे जंप करके रिवर क्रॉस कर लेते हैं और हाईवे पे पहुंच जाते हैं। मेहुल ने अपनी बहादुरी से सारे साइंटिस्ट को बचा लिया। इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। गोपाल एसोसिएट्स में एक बहुत बड़ा करप्शन हुआ था। वहाँ काफी टाइम से मनी लॉन्ड्रिंग चल रही थी, इधर का पैसा उधर और उधर का पैसा इधर। पूरे मामले की तहकीकात करने डिटेक्टिव मेहुल को बुलाते हैं। मेहुल उनके ऑफिस पहुँचता है और उनके मैनेजर से बात करता है। उनका मैनेजर मेहुल को उनके CA से मिलाता है। मेहुल CA को बोलता है कि मुझे इस कंपनी के पिछले 5 साल के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो CA मेहुल को बोलती है, अरे ये डॉक्यूमेंट तो काफी टाइम से हमने देखे ही नहीं है, ये सारे एक फाइल में एक अलमारी के अंदर रखे हुए हैं। मुझे लाने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं लेके आती हूँ। थोड़ी देर बाद CA सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाती है। जब वो आते रहती है तो उसके हाथ से फाइल्स गिर जाती है। वो उन फाइल्स में से डॉक्यूमेंट उठा के मेहुल को देती है और बोलती है, ये लो डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए। मेहुल डॉक्यूमेंट्स को देखता है और बोलता है कि ये नकली डॉक्यूमेंट है, ये तुमने अभी अभी बनाया है। कैसे? मेहुल को ये कैसे समझता है कि ये नकली डॉक्यूमेंट है, क्या आप बता सकते हैं? चलिए इसका आंसर देखते हैं। CA जो डॉक्यूमेंट्स मेहुल को देती है उनमें होल्स नहीं थे, मतलब ये डॉक्यूमेंट कभी फाइल में रखे ही नहीं गए। उसी से मेहुल को समझ जाता है कि CA झूठ बोल रही है और उसे नकली डॉक्यूमेंट्स दे रही है। इतनी मजेदार पहेलियों के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। सना को काफी जोरों से भूख लगी थी। आज उसने टमेटो चीज सैंडविचेस लेके आए थे। वो फ्रिज ओपन करती है अपने सैंडविचेस लेने के लिए, लेकिन उसके सैंडविचेस गायब रहते हैं और बाजू में उसके सैंडविचेस का फॉइल पेपर पड़ा होता है। उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो ऑफिस फ्लोर पे जाती है देखने के लिए कि किसने उसकी सैंडविच खाई। तो वहाँ 3 लोग काम कर रहे होते हैं। रोहन कहता है, मैं तो सुबह से इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ, बस ये कॉफी पी के ही काम चला रहा हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारे सैंडविचेस देखे थे फ्रिज में। रीमा कहती है, मैंने तो डोमिनोज से पिज्जा मंगवाया है, बहुत जोरों से भूख लगी थी, मैंने तो आज ऑफिस का फ्रिज खोला भी नहीं है। राहुल कहता है, मैं तो सुबह से प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मम्मी ने आलू के पराठे दिए थे, बस वही खाया हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारा पैकेट फ्रिज में जरूर देखा था। क्या आप तीनों की बातें सुन के बता सकते हैं सैंडविचेस किसने खाए होंगे? सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए।
चलिए इसका आंसर देखते हैं। सैंडविचेस रोहन ने खाए हैं। रोहन को कैसे पता चला कि सना ने सैंडविचेस लाए थे? उसके सैंडविचेस तो फॉइल पेपर में रैप्ड थे, वहीं वो पकड़ा जाता है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।